नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सब कुछ मिलेगा नंबर 1 में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट एग्जाम के शिफ्ट 3 की सी सीरीज के क्वेश्चंस के आंसर्स की ऑप्शन, मतलब हम इसमें आंसर की डिस्कस करेंगे सीरीज सी के। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेक्शन 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज 1, जिसके रूप में हम लेंगे लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 1 संस्कृत। उसके बाद में हम सेक्शन 3 के अंदर लैंग्वेज 2 का जो ऑप्शन है वो लेंगे। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज 2 के रूप में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। उसके बाद में आपका जो सेक्शन 4 है, जिसमें सब्जेक्ट वाला सेक्शन है, उसमें हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज़। तो इस तरह से ये जो वीडियो होगा आपका, ये सीरीज B शिफ्ट 3 का जो जितने भी सी सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका ये एक सॉल्यूशन होगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन 1, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन होगा, सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए कॉमन होगा। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं पहले ही कि इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो। डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस बोलूँगा और उसका ऑप्शन बोलूँगा, जो आंसर का ऑप्शन होगा, आंसर वाला ऑप्शन होगा, मैं उसका ऑप्शन का नाम बोलूँगा। क्वेश्चन ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपके जितने क्वेश्चन हैं 1 to 30, 31 to 60, लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चन और उसके बाद में सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन, उनके आप नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद में जैसे जैसे मैं क्वेश्चन के आगे ऑप्शन बोलता जाऊँगा, आप उसके आगे ऑप्शन टिक करते जाइएगा और जो आपने चूज किए हैं अपने ओमार शीट के अंदर उनसे आप मिलान कर लीजिएगा। जितने आपके सही होंगे और जितने आपके गलत होंगे उन सबको आप काउंट करके अपने अप्रोक्सीमेट मार्क्स आप काउंट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो डायरेक्ट तरीका ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन A डायरेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन A वोल्फगैंग कोहलर। क्वेश्चन 2 का आंसर होगा ऑप्शन C निष्पादन का सत्यापन। क्वेश्चन 3 का आंसर होगा ऑप्शन B सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन 4 का आंसर होगा ऑप्शन B साहचर्य का नियम। क्वेश्चन 5 का आंसर होगा ऑप्शन C अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। क्वेश्चन 6 का आंसर होगा ऑप्शन A सूक्ष्म शिक्षण। क्वेश्चन 7 का आंसर होगा ऑप्शन B आवश्यकता अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन। क्वेश्चन 8 का आंसर होगा ऑप्शन D पुरस्कार। क्वेश्चन 9 का आंसर होगा ऑप्शन B प्रदर्शन स्तर। क्वेश्चन 9 के बाद में है क्वेश्चन 10, जिसका आंसर होगा ऑप्शन B 2005। क्वेश्चन 11 का आंसर होगा ऑप्शन A उपलब्धि। क्वेश्चन 12 का आंसर होगा ऑप्शन B नैदानिक। क्वेश्चन 13 का आंसर होगा ऑप्शन B मूल्यांकन। क्वेश्चन 14 का आंसर होगा ऑप्शन C इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। क्वेश्चन 15 का आंसर होगा ऑप्शन B अधिग्रहण। क्वेश्चन 16 का आंसर होगा ऑप्शन C एलील। उसके बाद में है क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 का आंसर होगा ऑप्शन D अभिक्षमता में अंतर। क्वेश्चन 18 का आंसर होगा ऑप्शन D आदत निर्माण। क्वेश्चन 19 का आंसर होगा ऑप्शन A विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 20 का आंसर होगा ऑप्शन B लोरेंस कोहेल बर्ग। क्वेश्चन 21 का आंसर होगा ऑप्शन C त्रि आयामी सिद्धांत। क्वेश्चन 22 का आंसर होगा ऑप्शन B भाटिया बैटरी। क्वेश्चन 23 का आंसर होगा ऑप्शन B अधिगम समता, अधिगम समानता। क्वेश्चन 24 का आंसर होगा ऑप्शन C हैंस हाई जेंक। क्वेश्चन 25 का आंसर होगा ऑप्शन A MMPI। क्वेश्चन 26 का आंसर होगा ऑप्शन D द्वंद्व। क्वेश्चन 27 का आंसर होगा ऑप्शन A चिंतन में समानुभूति। क्वेश्चन 28 का आंसर होगा ऑप्शन D डाउन सेलेक्शन, डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन 29 का आंसर होगा ऑप्शन B उपचारात्मक अध्यापन। क्वेश्चन 30 का आंसर होगा ऑप्शन C डिसलेक्सिया। तो इस प्रकार से आपके सेक्शन 1
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सभी 30 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। उसके बाद में हम लैंग्वेज फर्स्ट सेक्शन सेकंड में देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चंस देखते हैं। आप लैंग्वेज का जो आंसर्स देख रहे हैं उनको देखते समय सबसे पहले आप ध्यान से ये देखिए कि आपने कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट चुनी है, कौन सी लैंग्वेज सेकंड चुनी है, और जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड चुनी है उसी के अनुसार आप इस वीडियो में आंसर्स नोट कीजिए। अन्यथा क्या होगा कि आपकी भाषा दूसरी होगी, इस वीडियो में भाषा दूसरी होगी और आपके आंसर इस आंसर की से मैच नहीं करेंगे और आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो अपने जो लैंग्वेज है आपकी फर्स्ट है सेकंड है वो आप ध्यान से चेक करिए, उसके बाद में इस वीडियो थोड़ी देर रुक करके इस वीडियो में देखिए कि कौन सी भाषा के बारे में डिस्कशन चल रहा है और कौन सी भाषा आपकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 31 से हम स्टार्ट करते हैं जिसमें भाषा फर्स्ट है हिंदी। क्वेश्चन 31 का आंसर होगा ऑप्शन बी बेसिक शिक्षा। क्वेश्चन 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। क्वेश्चन 33 का आंसर होगा ऑप्शन ए अध्यापक विद्यार्थी लिपि शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। क्वेश्चन 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 35 का आंसर होगा ऑप्शन बी वर्णों की अधिकता। क्वेश्चन 36 का आंसर होगा ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन 36 के बाद में है क्वेश्चन 37 जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी ओवर हेड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन 38 का आंसर होगा ऑप्शन डी मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। क्वेश्चन 39 का आंसर होगा ऑप्शन सी योग्यता परीक्षा। क्वेश्चन 40 का आंसर होगा ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन 40 के बाद में है क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 का आंसर होगा ऑप्शन ए अव्यय। क्वेश्चन 42 का आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिकूल। क्वेश्चन 43 का आंसर होगा ऑप्शन बी चिम प्लस तन। क्वेश्चन 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव। क्वेश्चन 45 का आंसर होगा ऑप्शन सी अनायास। क्वेश्चन 46 का आंसर होगा ऑप्शन बी अस्वस्थ रुग्ण व्याधिग्रस्त। क्वेश्चन 47 का आंसर होगा स्पष्ट। क्वेश्चन 48 का आंसर होगा ऑप्शन सी भाषा। क्वेश्चन 49 का आंसर होगा ऑप्शन बी स्वभाव। क्वेश्चन 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी अव्यय। क्वेश्चन 50 के बाद में आता है क्वेश्चन 51 का आंसर होगा ऑप्शन बी आकांक्षा। क्वेश्चन 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 53 का आंसर होगा ऑप्शन ए काफी। क्वेश्चन 54 का आंसर होगा ऑप्शन ए इन तकनीक। क्वेश्चन 55 का आंसर होगा ऑप्शन बी संभव। क्वेश्चन 56 का आंसर होगा ऑप्शन डी श्रावण। क्वेश्चन 57 का आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वनाम। क्वेश्चन 58 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 59 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60 का आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से आपके लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी के क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। उसके बाद में हम लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में संस्कृत को देखेंगे, तो उसके बाद में आ जाइए संस्कृत वाले सेक्शन में। संस्कृत वाले सेक्शन में हम देख रहे हैं लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत। लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत के क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन 31 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 32 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 33 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 35 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 36 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 37 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 37 के बाद में क्वेश्चन 38 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 39 का आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद में क्वेश्चन 40 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 40 के बाद में क्वेश्चन नंबर 41 जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 42 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 43 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 45 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 46 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 47 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 48 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 49 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 51 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 53 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 54 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 55 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 56 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 57 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन
क्वेश्चन 58 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 59 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 59 के बाद में आता है क्वेश्चन 60, क्वेश्चन 60 का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से आपके फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत के क्वेश्चंस भी पूरे होते हैं। इसके बाद में हम सेक्शन 3, जिसमें सबसे पहले लैंग्वेज, सेकेंड हिंदी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो हिंदी का पेपर है वो है पेज नंबर 37 पर। तो आ जाइए पेज नंबर 37 पर। हम आ चुके हैं पेज नंबर 37 पर, जहाँ से स्टार्ट होता है भाषा सेकंड का खंड। इसमें सबसे पहले है भाषा सेकंड के रूप में हिंदी। तो आइए सबसे पहले भाषा सेकंड के रूप में हिंदी के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 61, क्वेश्चन 61 का आंसर है ऑप्शन ए बच्चों का बाग। क्वेश्चन 62 का आंसर होगा ऑप्शन डी पार्क हस्ट। क्वेश्चन 63 का आंसर है ऑप्शन सी कहानी सुनाना और सुनना। क्वेश्चन 64 का आंसर है ऑप्शन बी वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता। क्वेश्चन 65 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 66 का आंसर है ऑप्शन ए लेब मैनुअल। क्वेश्चन 67 का आंसर है ऑप्शन सी लघु गणक सारिणी। क्वेश्चन 68 का आंसर है ऑप्शन बी विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं। क्वेश्चन 68 के बाद में है क्वेश्चन 69, जिसका आंसर है ऑप्शन डी ज्ञान और बोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो। क्वेश्चन 70 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 71 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 72 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 73 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 74 का आंसर है ऑप्शन ए अप्रिय अधीर। क्वेश्चन 75 का आंसर है ऑप्शन डी नय। क्वेश्चन 76 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 77 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 78 का आंसर ऑप्शन सी। यदि मैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस भी बोलूंगा साथ साथ तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चंस नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस का नंबर बोल रहा हूँ और उसका आंसर वाला ऑप्शन बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन 38 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 39 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 80 का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आप खुद ही एक बार पढ़ते जाइए और देख लीजिएगा। क्वेश्चन 81 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 82 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 83 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 84 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 85 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 86 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 87 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 88 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 89 का आंसर है ऑप्शन सी और क्वेश्चन 90 का आंसर है ऑप्शन सी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो में देखने में, आपको जो भी समस्या लगती है या वीडियो में जो कमी है कि ऐसा होना चाहिए था, वो सब आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर सही से उन कमियों को सुधारेंगे। तो इस प्रकार से आपका सेकंड लैंग्वेज हिंदी का सेक्शन पूरा होता है। इसके बाद में हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का सेक्शन देखते हैं। तो इंग्लिश का सेक्शन क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होता है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 61st क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश में, ये थोड़ा डाउटफुल है, तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप उसमें से इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन 62, क्वेश्चन 62 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 63 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 64 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 65 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 66 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 67 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 68 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 69 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 69 के बाद में है क्वेश्चन 70। तो क्वेश्चन 70 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 71 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 72 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 73 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 74 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 75 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 76 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 77 का आंसर है ऑप्शन डी। देख लीजिए आप पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 77 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 78 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 79 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 80 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 81 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 82 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 83 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 84 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन
85 का आंसर है ऑप्शन डी, क्वेश्चन 86 का आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन 87 का आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन 88 का आंसर है ऑप्शन सी, क्वेश्चन 89 का आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन 90 का आंसर है ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से आपके सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के क्वेश्चंस भी पूरे होते हैं। इसके बाद में हम सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत के क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब आता है आपका सेक्शन भाषा सेकेंड संस्कृत। अपनी लैंग्वेज के जो लैंग्वेज का आपका सेक्शन है वो आप सही से चेक कीजिएगा ताकि आप सही आंसर की को देख पाएं। अब क्वेश्चन 61, क्वेश्चन 61 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 62 का आंसर है ऑप्शन डी, क्वेश्चन 63 का आंसर है ऑप्शन डी, क्वेश्चन 64 का आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन 65 का आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन 66 का आंसर है ऑप्शन सी, क्वेश्चन 67 का आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन 68 का आंसर है ऑप्शन डी, क्वेश्चन 69 का आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन 70 का आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन 71 का आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन 72 का आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन 73 का आंसर है ऑप्शन सी, क्वेश्चन 74 का आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन 75 का आंसर है ऑप्शन डी, क्वेश्चन 76 का आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन 77 का आंसर है ऑप्शन सी, क्वेश्चन 78 का आंसर है ऑप्शन सी, क्वेश्चन 79 का आंसर है ऑप्शन डी, क्वेश्चन 80 का आंसर ऑप्शन बी, क्वेश्चन 81 का आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन 82 का आंसर है ऑप्शन सी, क्वेश्चन 83 का आंसर है ऑप्शन डी, क्वेश्चन 84 का आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन 85 का आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन 86 का आंसर है ऑप्शन सी, क्वेश्चन 87 का आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन 88 का आंसर है ऑप्शन डी, क्वेश्चन 89 का आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन 90 का आंसर है ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से आपके सेकंड लैंग्वेज संस्कृत के क्वेश्चंस भी पूरे होते हैं। अब हम सेक्शन 4 में सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले मैथ और साइंस के देखेंगे, उसके बाद में सोशल स्टडीज के देखेंगे। तो सबसे पहले मैथ और साइंस के देखते हैं, जो कि है पेज नंबर 65 पर। तो आ जाइए पेज नंबर 65 पर। हम आ चुके हैं पेज नंबर 65 पर, जहाँ से स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स एंड साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन 92 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 93 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 94 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन 95 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 95 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 96 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 97 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 98 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन 99 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 100 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन 101 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 102 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 103 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 104 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन 105 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 106 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 107 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 108 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन 109 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 110 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 111 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 112 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 113 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 114 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन 115 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 116 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 117 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 118 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 119 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 120 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 120 के बाद में क्वेश्चन 121 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 122 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 123 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 124 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 125 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन 126 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 127 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 128 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 129 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन
क्वेश्चन 130 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 131 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 132 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 133 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन 134 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 135 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 136 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 137 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन 138 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 139 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्योंकि शेर की जो दाढ़ होती है उसकी प्रबलता ज़्यादा होती है, तारत्व कम होता है, तीखी नहीं होती है। क्वेश्चन 140, क्वेश्चन 140 का आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत घंटी। क्वेश्चन 141, निम्न घरों में से कौन सा सबसे कम सघन है? तो शनि है जो सबसे कम घना है, उसमें गैसेस हैं। क्वेश्चन 142, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा सही कथन नहीं है? सही नहीं है ये बताना है आपको, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, इसका क्षेत्र सीमित है। क्वेश्चन 143, निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है ऑप्शन सी पॉलीथीन। क्वेश्चन 144, निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु है, तो एक परमाणु अणु है वो कौन सा है? ऑप्शन ए ऑर्गन। क्वेश्चन 145 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 146 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 147 का आंसर होगा ऑप्शन ए लिटमस, प्राकृतिक जो सूचक होता है अम्लीय बताने वाला वो होता है लिटमस, क्वेश्चन 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश, क्वेश्चन 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विज्ञान क्लब, क्वेश्चन 150 का आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा। तो इस प्रकार से आपके जो साइंस मैथ के क्वेश्चंस हैं वो पूरे होते हैं। इसके बाद में हम सेक्शन 4 का जो सेकंड वाला पार्ट है सोशल स्टडीज का, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करों का भुगतान करें, क्वेश्चन 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 91, क्वेश्चन 93 स्वीप रिलेटेड टू, जो स्वीप है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा ऑप्शन ए मौलिक, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर होगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती, मूल संरचना का सिद्धांत जो है वो केशवानंद भारती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना है, तो ऑप्शन सी है शनि एक आंतरिक ग्रह है, ये एक असत्य कथन है क्योंकि जो शनि है वो तो बाह्य ग्रह है, तो क्वेश्चन 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रातः 11 बजे, क्वेश्चन 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उद्गम केंद्र, क्वेश्चन 99 का आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्जनित बल, क्वेश्चन 100 का आंसर होगा ऑप्शन डी हिंद महासागर, क्वेश्चन 101 का आंसर होगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंगम, क्वेश्चन 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वन सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, क्वेश्चन 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिच्छवी, क्वेश्चन 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। जो 16 महाजनपद थे उनमें मगध जनपद सबसे प्रथम स्थान था उसका, वो क्यों था? तो वो इसलिए था क्योंकि उसमें खेती की उपज अच्छी थी, लोहे की खदानें थी और जो जंगली हाथी थे काम करने के लिए वो भी उपस्थित थे, तो ये सभी कारणों की वजह से 16 महाजनपदों में मगध प्रथम स्थान पर था। क्वेश्चन 105, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? जो लोथल नामक स्थल है वो गुजरात में स्थित है, तो क्वेश्चन 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 106, बेरी गाजा प्राचीन भारत की कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो ये था ऑप्शन ए भरूच का। क्वेश्चन 107, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेल्लन वगई का संबंध था, वेलन बगई था वो किससे संबंधित था? वो था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से संबंधित था वेलन बगई, तो क्वेश्चन 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 108, मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए किन उप समितियों का कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 उप समितियों का। क्वेश्चन 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अग्रहार, जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे कहते थे अग्रहार। क्वेश्चन 110,
चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी थी ए होल। क्वेश्चन 111, ख्वाजी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है उन पर आने वाले पहले सुल्तान कौन था? उन पर आने वाला पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुगल। क्वेश्चन 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नस्तलीक। क्वेश्चन 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थॉमस जोन्स बारकर। क्वेश्चन 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा राव फुले। जो गुलामगिरी पुस्तक थी वो ज्योतिराव फुले को ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन 116, क्वेश्चन 116 थोड़ा ऊपर आ चुके हैं अपन मैथ सेक्शन में आ गए। क्वेश्चन नंबर 115 हो चुका है, ज्योतिराव फुले। क्वेश्चन नंबर 116, जो फैमिली वेलफेयर सब्जेक्ट है, जो परिवार कल्याण विषय है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन डी, 11वीं में। क्वेश्चन 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद को ही संशोधित संविधान में संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। तो क्वेश्चन 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 118, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 119, क्वेश्चन 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्याय स्वतंत्रता समता बंधुता। क्वेश्चन 120, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो जो एक्ट था वो कब लागू हुआ? वो लागू हुआ था 2012 में। क्वेश्चन 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेणेश्वर मेला। आदिवासियों का जो कुंभ है वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। क्वेश्चन 122, थमण्यो थेड़ियो आड़ तुसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? ये जो आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? ये धारण किए जाते हैं कंठ में। तो क्वेश्चन 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंठ। क्वेश्चन 123, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? ये करवाई गई थी सवाई राम सिंह के द्वारा। तो क्वेश्चन 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सवाई राम सिंह। क्वेश्चन 124, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वालर नृत्य है वो स्त्री व पुरुष के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध का विकास। क्वेश्चन 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दुर्खीम। क्वेश्चन 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरिसन मॉडल। क्वेश्चन 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिग्रहण। क्वेश्चन 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, TCI। क्वेश्चन 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूचना का विश्लेषण। क्वेश्चन 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राफ। क्वेश्चन 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खादर। क्वेश्चन 135 के बाद में क्वेश्चन 136, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जूट। क्वेश्चन 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नीज तांबा। क्वेश्चन 139 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालयन यऊ। क्वेश्चन 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्षा जल। क्वेश्चन 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोधपुर। क्वेश्चन 142 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है। क्वेश्चन 144 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माही बाणगंगा। क्वेश्चन 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अन्नो राज। क्वेश्चन 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जे डी होल। क्वेश्चन 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलियारी। क्वेश्चन 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सबद। क्वेश्चन 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिरोही। क्वेश्चन 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तारागढ़। जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसने
तारागढ़ के दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर कहा था। तो इस प्रकार से आपके ये पूरे क्वेश्चंस पूरे होते हैं, और ये वाला सेक्शन था आपका सीरीज सी शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर देखिए, अपने अप्रोक्सीमेट मार्क्स जो आ रहे हैं उनको नोट कीजिए और देखिए कि वो एग्जाम आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। यदि कर पा रहे हैं तो अगली एग्जाम्स की तैयारी में लग जाए, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरे एग्जाम के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दें। और इस वीडियो को, ये जो पूरी की पूरी लिस्ट हमने बना रखी है आंसर्स की, इनको आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप शेयर करें ताकि वो भी इनके आंसर देख सकें और अपने नंबर्स काउंट कर सकें कि हम पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद।